केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स यानी विद्युत संयोजक बंध और विद्युत संयोजक यौगिकों की बात की थी। आज के लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यानी सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध और इनके कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी सहसंयोजक बंध होते क्या है। ये देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। कोवेलेंट बॉन्ड्स द बॉन्ड्स फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी ऐसे बंध जो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी से बनता है। क्या? द बॉन्ड्स फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, ऐसे बंध जो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी से बनता है क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जिन कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन जनरल उसे हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स नाम देते हैं। देखिए स्लाइड में आगे क्या लिखा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंसी ऑफ द एटम यानी किसी कोवेलेंट बॉन्ड के बनते समय सहसंयोजक बंध के बनते समय किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा साझे के लिए दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उस परमाणु की सहसंयोजकता यानी कोवेलेंसी कहलाती है। क्लियर? क्या बताया गया? व्हाट इज कोवेलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड is called covalency of the atom. Here shared electron pair lies simultaneously in the outermost shell of both the bonded atoms and provides them stability. आपको बताया गया कि जो shared electron pair, याद रहे covalent bond बनते समय दोनों ही atom समान संख्या में electron देंगे साझेदारी के लिए। यहाँ जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा वह एक साथ दोनों ही एटम के आउटर मोस्ट सेल में होगा और दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या देखा आपने कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज साइमल्टेनियसली इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स एंड प्रोवाइड्स देम स्टेबिलिटी यानी साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ दोनों ही आबंधित परमाणुओं के बाह्य सेल में रहता है और दोनों को स्थायित्व प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स बीइंग 1, 2 एंड 3 These bonds are called single, double and triple bonds respectively and are represented by placing single, double and triple lines between the bonded atoms respectively. क्या देखा आपने? जो बंध बन रहा है सहसंयोजक बंध बन रहा है उस बंध में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? अगर सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बंध बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड नाम देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्डेड एटम्स के बीच उसे हम डबल बॉन्ड बोलते हैं और दो लाइन पैरेलल लाइन से हम डिनोट करते हैं। और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हुई है बिटवीन द एटम्स तो बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं और तीन लाइंस के द्वारा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला केस है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का पहला केस हम लेने जा रहे हैं पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं दैट इज H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज एज अंडर। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 यानी हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। याद रहे हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है तो हीलियम। क्लियर है? हाइड्रोजन चाहेगा कि हीलियम का
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन चेंज कर ले, यानी अपना डुप्लेट कंफर्म कर ले, डुप्लेट कंप्लीट कर ले। इसके लिए करेगा दो हाइड्रोजन आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, वह एक साथ दोनों ही हाइड्रोजन परमाणुओं के बाह्य सेल में रहता है और दोनों को स्थायित्व प्रदान करता है। इस तरीके से दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, दोनों अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। दस इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में, जहां फर्स्ट सेल आउटर मोस्ट सेल है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए दो हाइड्रोजन आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। Hence, two hydrogen atoms share one electron each to form a shared electron pair, which lies simultaneously in the outermost shell of both the hydrogen atoms and provides them stability. तो आपने देखा कि अपने nearest inert gas यानी helium का electronic configuration gain करने के लिए दो hydrogen atom एक एक electron देकर एक electron pair बनाते हैं। वह इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, एक साथ दोनों ही हाइड्रोजन परमाणुओं के बाह्य सेल में रहता है, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को स्थायित्व देता है। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन आइटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है, ये हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन सिंबल जो कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन को शो कर रहा है यहाँ पर, और इसका फर्स्ट सेल आउटर मोस्ट सेल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s1 था। दूसरा हाइड्रोजन आइटम सेम सिचुएशन, उसके भी बाह्य सेल में यानी फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लीजिए। ये देखिए दोनों हाइड्रोजन आइटम एक दूसरे के पास आए, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया जो एक साथ दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में रहता है और दोनों को स्टेबिलिटी देता है। इसको आप लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आइटम के बीच, दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, इसलिए हम लिखते हैं इसको एच सिंगल बॉन्ड एच, यानी सिंगल लाइन देते हैं दोनों हाइड्रोजन आइटम के बीच। तो ये आपने देखा पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये बन गया एच टू मॉलिक्यूल जिसको एच सिंगल बॉन्ड एच के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर है, फिगर किस चीज का था? तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल का निर्माण। आप देख सकते हैं कि यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर केवल एक है और उसको बनने में दोनों हाइड्रोजन आइटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नेचुरली दोनों हाइड्रोजन की कोवेलेंसी यानी सह संयोजकता कितनी होगी? तो 1 होगी। देखिए क्या लिखा है, हियर सिंस बोथ द हाइड्रोजन आइटम्स गिव वन इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड पेयर देयर कोवेलेंसी इज 1। तो आपने देखा कि H2 मॉलिक्यूल बनते समय चूंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने के लिए, इसलिए दोनों की कोवेलेंसी, दोनों की सह संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए सेम पैटर्न में एक्सप्लेनेशन दिख रहा है यहां पर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आइटम्स आर एज अंडर। देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? तो हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर 1 है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। फ्लोरीन 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल आउटर मोस्ट सेल है और इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है हीलियम। इसको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। क्लियर है, इसको डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है। वहीं फ्लोरीन
आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यह सेकेंड सेल इज आउटर मोस्ट सेल, ये सेल नंबर सेकेंड सेल इज आउटर मोस्ट सेल जिसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है एस सब सेल में और 5 इलेक्ट्रॉन्स है पी सब सेल में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो करता क्या है, यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वह हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही आइटम्स के आउटर मोस्ट सेल में एक साथ रहेगा, दोनों को स्टेबिलिटी देगा। क्लियर है, यहां पर हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, जबकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, याद रहे शेयरिंग से उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, जो फ्लोरीन है वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, Here both hydrogen and fluorine atoms need one electron to acquire the stable electronic configuration of their nearest inert gas. Hence they share one electron each to form a shared electron pair which lies simultaneously in outermost shell of both the atoms and provides them stability. तो आपने देखा कि यहाँ पर अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लियर है, तो करते क्या है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ दोनों ही आइटम के आउटर मोस्ट सेल में रहता है, दोनों को स्टेबिलिटी देता है। क्लियर है, और दोनों ही अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फ्लोरीन जो है वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है जबकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहां पर HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन शो किया गया है डायग्रामेटिकली। दिस वन इज हाइड्रोजन आइटम जिसमें फर्स्ट सेल आउटर मोस्ट सेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आइटम। सेकेंड इज फ्लोरीन आइटम, फ्लोरीन आइटम याद रहे यहाँ जो सिंबल है वह न्यूक्लियस प्लस इनर सेल्स इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर लेविस डायग्राम में सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, दूसरा फ्लोरीन ने दिया, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया जो दोनों ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक साथ रहता है और दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हुई है, तो नेचुरली सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है। तो यहां बॉन्ड बना H सिंगल बॉन्ड F, सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, ये आपका हो गया HF मॉलिक्यूल। हियर सिंस बोथ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आइटम्स गिव वन इलेक्ट्रॉन ईच इन शेयर्ड पेयर, देयर कोवेलेंसी इज 1। तो आपने देखा कि यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो नेचुरली दोनों की कोवेलेंसी, दोनों की सहसंयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल यानी O2 अणु का निर्माण। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज एज अंडर। देखिए ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो O8 1s2 2s2 2p4। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। नेचुरली इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
तो करते क्या है, दो ऑक्सीजन एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं और दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस, अपने समीपस्थ अक्रिय गैस यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है आगे, हियर बोथ ऑक्सीजन एटम्स नीड टू इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस दैट इज नियॉन, हेंस दे शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच लाई साइमल्टेनियसली इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड प्रोवाइड देम स्टेबिलिटी। तो आपने देखा कि यहां चूंकि दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए दोनों ऑक्सीजन आइटम दो दो इलेक्ट्रॉन दे करके दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, दो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक साथ दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं के बाह्य सेल में रहता है, आउटर मोस्ट सेल में लाई करता है और दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन आइटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए डायग्रामेटिकली शो किया गया है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। पहला ऑक्सीजन आइटम आउटर मोस्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। This one is second oxygen atom, same situation, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 electrons in outermost cell. क्या करेंगे, अब से पहले दोनों केस में आपने देखा था कि bonded atom एक एक इलेक्ट्रॉन देते थे sharing के लिए, इस बार दोनों ऑक्सीजन आइटम दो दो इलेक्ट्रॉन देकर के दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, यानी दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, दो लाइन से रिप्रेजेंट होगा। देखिए क्या हुआ यहां पर, पहला ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बीच आप देख सकते हैं दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। क्या बन गया ये, O2 मॉलिक्यूल। याद रहे ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ दोनों ऑक्सीजन आइटम के आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं, तो O2 मॉलिक्यूल को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड मतलब दोनों ऑक्सीजन आइटम्स के बीच दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। क्लियर है, आगे देखिए क्या लिखा है, हियर सिंस बोथ द ऑक्सीजन आइटम्स गिव टू इलेक्ट्रॉन्स ईच इन शेयर्ड पेयर देयरफॉर देयर कोवेलेंसी इज टू। तो आपने देखा कि यहां दोनों ऑक्सीजन आइटम्स साझे के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए दोनों की कोवेलेंसी कितनी होगी, तो टू होगी। क्लियर है, दोनों की सहसंयोजकता यहां पर दो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये देखना है कि सहसंयोजक बंध बनने की परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, किन परिस्थितियों में बनता है। इसके पहले आपने देखा था विद्युत संयोजक बंध कब बनता था, जब कोई एक आइटम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन देकर, जनरली एक या दो इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हो, और दूसरा एक या दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हो, तो उनके बीच बनता था विद्युत संयोजक। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर दोनों ही आइटम जो बॉन्डिंग करेंगे उनके नीड सेम होंगे, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसलिए इस केस में गिव एंड टेक संभव नहीं है, आदान प्रदान संभव नहीं है, यहां सिर्फ शेयरिंग संभव है। तो आप देखेंगे कि जब दो आइटम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो, तो उनके मध्य कौन सा बंध बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, विद्युत संयोजक सॉरी सह संयोजक बंध बनता है। देखिए क्या लिखा है पहला कंडीशन, व्हेन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कंबाइन टूगेदर देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। पहला कंडीशन बता रहा है कि जब दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब दो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व परस्पर संयोग करते हैं, तो उनके मध्यक सह संयोजक बंध बनता है। इसके पहले इलेक्ट्रोवेलेंट में क्या होता था, एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता था, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था, तो उनके मध्य बनता था विद्युत संयोजक।
लेकिन जब दोनों ही एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों नॉन मेटल हो, तो उनके मध्य कौन सा बंध बनता है? तो सहसंयोजक बंध बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो पहला कंडीशन, व्हेन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज नॉन मेटल्स कंबाइन टूगेदर, देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। सेकेंड देखिए, इफ बोथ द एटम्स रिक्वायर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट NH2NP6 configuration, then covalent bond is formed between them। Already बता चुका हूं कि यदि octet complete करने के लिए दोनों ही atom को एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो तो उनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तीसरा कंडीशन देखिए, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एलिमेंट्स इज लेस देन 1.9 then covalent bond is formed between them। यदि दो एलिमेंट आपको दिए गए हैं A और B, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दिए गए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो डिफरेंस है वह 1.9 से कम है, याद रहे 1.9 से अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज 1.9 से कम है तो उनके मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी सहसंयोजक यौगिकों के गुण क्या होते हैं। याद रहे इसके पहले आपने विद्युत संयोजक यौगिकों के गुण देखा था, सबसे पहला आपने देखा था कि वो आयनिक नेचर के होते थे, वहीं सहसंयोजक यौगिक मॉलिक्यूलर नेचर के होंगे। विद्युत संयोजक में जो रचक कण होते थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे, वो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स थे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं? अणु होते हैं, उदासीन अणु होते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते थे? आयनिक इन नेचर, आयनों से बने होते थे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। देखिए क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये आणविक प्रकृति के होते हैं। दे आर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टूगेदर बाय वीक वांडरवाल फोर्सेस, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होंगे जिनके मध्य प्रकृति का सबसे कमजोर फोर्सेस में से एक, जिसको आप क्या नाम देते हो, वांडरवाल फोर्स, एक कमजोर फोर्स काम करता है यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के बीच। कौन सा फोर्स? तो वांडरवाल फोर्स। जबकि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे थे? आयनिक नेचर के थे, अपोजिटली चार्ज आयन से मिलकर बने होते थे, और वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स काम करता था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जबकि यहां कौन सा फोर्स काम कर रहा है? दैट इज ए वीक फिजिकल फोर्स कॉल्ड वांडरवाल्स फोर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, सिंस वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑपरेट एमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, दीज कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है। वहीं आपने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा था, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट करता था। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच वीक फोर्स ऑपरेट कर रहा है, दैट इज वांडरवाल फोर्स। इस कारण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इजिली दूर दूर ले जा सकते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है। किसका? कोवेलेंट कंपाउंड्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसोल्युबल इन वाटर, हाउएवर दे आर फेयरली सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। तो आप देखेंगे कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली वाटर में सोल्युबल नहीं होते, जबकि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे थे? हाईली सोल्युबल इन वाटर होते थे। ये कैसे हैं? दे आर इन जनरल इनसोल्युबल इन वाटर। क्या क्या लिखा है? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली यानी प्राय इनसोल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होते हैं।
However, they are fairly soluble in non-polar solvent. हाँ, ये non-polar solvents में, यानी non-polar अध्रुवीय विलायकों में ये कैसे होते हैं? Fairly soluble होते हैं, पर्याप्त रूप से घुलनशील होते हैं. कौन-कौन है यहाँ non-polar solvents? तो कुछ example दिए गए हैं, benzene, carbon tetrachloride, chloroform. इनमें ये fairly soluble होते हैं, जबकि water में ये almost insoluble होते हैं. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next property. Due to absence of ions, the aqueous solutions and molten form of these compounds are in general bad conductor of electricity. तो इनके aqueous solution और इनके molten form में, पिघले हुए form में या इनके जलीय विलयन में usually ions नहीं होते. इसके कारण इनका aqueous solution यानी जलीय विलयन या molten form, पिघला हुआ रूप usually bad conductor होता है electricity का, विद्युत धारा का कुचालक होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. These compounds are thermally unstable and therefore get decomposed on heating. ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के तुलना में रिलेटिवली कम स्टेबल होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं. ऑन हीटिंग दे गेट डीकंपोज्ड. इनको अगर गर्म करोगे तो ये विघटित हो जाते हैं, जबकि वहीं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते थे वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच स्ट्रांग फोर्स लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता था, वो आसानी से डीकंपोज नहीं होते थे ऑन हीटिंग. जबकि इनके साथ क्या लगा हुआ है? These compounds are thermally unstable. ये तापीय रूप से अस्थायी होते हैं. And therefore get decomposed on heating. गर्म किए जाने पर ये क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next point. Covalent bonds are directional in nature. That is, they are formed in some definite directions and provide a definite shape to the molecules. Thus, covalent compounds have a definite geometry. बहुत ही खास बात. Covalent bond directional nature का होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है, एक निश्चित दिशा में बनता है. और चूंकि यहां पर बॉन्ड की दिशा फिक्स होती है, बनने की दिशा फिक्स है, मॉलिक्यूल को एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती है. तो आपने देखा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्री. आपने पढ़ा है वाटर इज एंगुलर, दैट इज वी शेप्ड होता है वाटर. अमोनिया पिरामिडल शेप का होता है. CH4 मीथेन टेट्राहेड्रल होता है. तो यहां पर मॉलिक्यूल की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. वहीं आपने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के केस में देखा था कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, वो अदिशात्मक थे, उनकी कोई दिशा नहीं होती थी, किसी भी दिशा में बन सकते थे. इसलिए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स की कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती थी. तो ये बेसिक डिफरेंसेस भी आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच. चलिए नेक्स्ट, तीसरे टाइप के बॉन्ड की अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. याद रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड. हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध. सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड, उपसहसंयोजक, सहसंयोजक जैसा ही है. तो याद रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर. यहां साझे का, इसके पहले कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था? जब साझा होता था तो इक्वल शेयरिंग होती थी. अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देता था शेयरिंग के लिए. अगर एक ने दो इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा भी दो देता था. इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार शेयरिंग तो होगी लेकिन अनइक्वल होगी. कोई एक आइटम शेयर्ड पेयर देगा, पूरा पूरा, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पूरा पूरा पेयर देगा और दूसरा उसको गेन करेगा. जो पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी शेयरिंग के लिए जो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जो उसको सिर्फ शेयर कर रहा है, सिर्फ साझा कर रहा है, उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं. इसीलिए इस बॉन्ड को कई बार हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं. तो देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. स्लाइड में क्या लिखा है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर आर गिवन ओनली बाय वन आइटम एंड दे आर सिंपली शेयर्ड बाय अनदर आइटम. दस द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आइटम्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. यानी परमाणुओं के मध्य अनइक्वल शेयरिंग यानी असमान साझेदारी से बनने वाला सहसंयोजक बंध ही क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक बंध कहलाता है. यहां पर
जो एक एटम होता है वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है फॉर शेयरिंग, साझेदारी के लिए, और दूसरा सिर्फ उसे शेयर करता है, उसे साझा करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर में दूसरे का कोई योगदान नहीं रहता है। आगे देखिए क्या लिखा है। हियर द एटम विच गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड डोनर, ऑलरेडी बता चुका हूं, व्हाइल दैट विच शेयर्स इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। Hence, this bond is also called donor-acceptor bonds. तो आपने देखा कि coordinate bond बनते समय sharing के लिए जो atom electron pair देता है उसे donor बोलते हैं, जो सिर्फ sharing करता है उस electron pair का उसे acceptor बोलते हैं, और इस bond को हम donor-acceptor bond यानी दाता ग्राही बंध। याद रहे, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उसे डोनर यानी दाता बोलते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ शेयर किया उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं या एक्सेप्टर बोलते हैं। इसलिए इस बॉन्ड को हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड और दाता ग्राही बंध बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। याद रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, जो डोनर से यानी दाता से ग्राही की ओर एक्सेप्टर की ओर डायरेक्टेड होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जो डोनर से एक्सेप्टर की ओर डायरेक्टेड होता है, निर्देशित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। सपोज अमोनिया मॉलिक्यूल है N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, NH3। याद रहे, अमोनिया में नाइट्रोजन यहां पर सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5। उन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने शेयरिंग में भाग ले लिया, इक्वल शेयरिंग किया। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, और यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। याद रहे, ये नाइट्रोजन अमोनिया का जो नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये चाहे तो दूसरे के साथ अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकता है, साझेदारी कर सकता है, पूरी तरह दे नहीं सकता, अदरवाइज इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो करता क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये डोनर का काम कर सकता है। वहीं H प्लस प्रोटॉन, याद रहे हाइड्रोजन आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, उसे उसने निकाल दिया तो बनाया H प्लस आयन। अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, और इस H प्लस आयन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्लियर, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। एक तरफ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये चाहे तो शेयर कर सकता है H प्लस के साथ। तो यहां जब शेयरिंग होगी, याद रहे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर किया किसके साथ, H प्लस के साथ, तो जो शेयरिंग होगी उसके कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह नाइट्रोजन के द्वारा दिया गया है और H प्लस के द्वारा सिर्फ उसे शेयर किया गया है, साझा किया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, ये बन गया, और पूरे स्पीसीज के ऊपर एक सिंगल प्लस चार्ज आ गया। अरे अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, जब H+ के साथ जुड़ा, H+ के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, तो ओवरऑल जो स्पीसीज बनी जिसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं, NH4+ बन गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम आयन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज हम वाटर की बात करें, वाटर में ऑक्सीजन इज सेंट्रल आइटम, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, कैसे भाई, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उस 6 में से 2 ने शेयर कर लिया OH बॉन्ड बनाते समय, 2 OH बॉन्ड बने हुए, अब 2 शेयरिंग में चले गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, और यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, उसका अष्टक पूर्ण है। ये चाहे तो अपने एक इलेक्ट्रॉन, याद रहे अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो दोनों कभी भी शेयर नहीं करेगा, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकता है किसी के साथ, पूरी तरह दे नहीं सकता, याद रहे। तो यहां हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर हैं इन वाटर मॉलिक्यूल,
इसने अपने एक लोन पेयर को शेयर कर लिया H प्लस के साथ, किसका फॉर्मेशन हो गया, वो सिंगल बॉन्डेज, सिंगल बॉन्डेज कोऑर्डिनेट बॉन्डेज, और ये बन गया H3O प्लस। इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है अभी, किसके पास, सेंट्रल ऑक्सीजन के पास, किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोनियम आयन का, किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोनियम आयन, क्लियर है, H3O प्लस आयन। तो ये यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन शो किया गया है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि वाटर न्यूट्रल था, H प्लस से जुड़ा, तो पूरे स्पीसीज यानी H3O के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल। यहां पर अमोनिया जो कि डोनर है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्टर का काम कर रहा है, उसके सेंट्रल बोरान आइटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा है। याद रहे यहां नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, आउटर मोस्ट सेल में उसके पास एक लोन पेयर है, सेंट्रल नाइट्रोजन आइटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और दूसरे तरफ बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान इज सेंट्रल आइटम, एटॉमिक नंबर बोरान का कितना है तो आपको मालूम है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, आउटर मोस्ट सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे जब वह एटम था, और जब वह 3 फ्लोरीन एटम से जुड़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए उसके पास, यानी यहां पर सेंट्रल बोरॉन एटम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। करेगा क्या, अमोनिया का जो सेंट्रल नाइट्रोजन आइटम है वो अपना लोन पेयर दे देगा बोरान को, यानी शेयर कर लेगा, पूरी तरह देगा नहीं बल्कि बोरान के साथ वो शेयर कर लेगा। ये देखिए क्या बना, एन सिंगल बॉन्डेज, सिंगल बॉन्डेज, सिंगल बॉन्डेज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड एफ, सिंगल बॉन्ड एफ, सिंगल बॉन्ड एफ, यानी एक एडिशन कंपाउंड बन गया, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एडिशन कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको, योगशील यौगिक। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एडिशन कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं आया जैसा कि पिछले केस में आता था। क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि दोनों जो आपस में जुड़ रहे हैं वो न्यूट्रल है, क्लियर है। तो यहां अमोनिया डोनर है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्टर है, और इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो जो कंपाउंड बना उसे हम एडिशन कंपाउंड यानी योगशील यौगिक या एडक्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेम केस, इस बार वाटर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन को लोन पेयर डोनेट करने जा रहा है, वाटर इज डोनर, जिसके पास सेंट्रल ऑक्सीजन के पास यहां 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से एक को डोनेट कर दिया, एक को शेयर कर लिया, किसके साथ, बोरॉन के साथ, किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर BF3 एडिशन कंपाउंड का, क्लियर है, वाटर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसने लोन पेयर शेयर कर लिया बोरॉन के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो गया, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड सेमी पोलर और डेटिव बॉन्ड्स। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और किस नाम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रहे इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के क्या कंडीशंस है, सिंपल सा कंडीशन है, कोई एक एटम के पास लोन पेयर हो और वो उसे दे सकता हो, शेयर कर सकता हो, और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत हो, तो उनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, इफ एन आइटम कंटेन्स 1 or more लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कनेक्ट इट टू द अदर आइटम व्हाइल द अदर आइटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैन एक्सेप्ट 1 or more लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो आपने देखा कि यदि किसी आइटम के पास एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और वह उसे किसी दूसरे आइटम को दे सकता हो और दूसरा आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, दूसरा आइटम इलेक्ट्रॉन न्यून हो और वह एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता हो, गेन करने की क्षमता रखता हो, तो उनके मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। आगे देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ऑलरेडी बताया जा चुका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होंगे, जिनको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोल सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ही होंगे। हां, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो सिचुएशन होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच की स्थिति होती है, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड होता है वह न तो पूरी तरह पोलर होता है, न ही पूरी तरह नॉन पोलर होता है, बल्कि सेमी पोलर होता है। तो यहां पर कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होगा वह इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, जो दो एक्सट्रीम है, उनके बीच का कंडीशन होता है इनका। देखिए क्या लिखा है प्रॉपर्टीज में। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, दैट इज दे आर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टूगेदर बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ऑलरेडी बताया जा चुका है, जो कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी था वही यहां भी देखने को मिला, कि ये मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, जहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैन डेर वाल्स फोर्स काम करता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, सिंस वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑपरेट्स अमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाउएवर इट इज हायर देन दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, चूंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, एक दुर्बल वैन डेर वाल्स बल कार्य करता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसोल्युबल और स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर। ये जल में या तो इनसोल्युबल होंगे या स्पेरिंगली सोल्युबल, यानी जल में अविलेय होंगे या अल्पविलेय होंगे। क्लियर है। वहीं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते थे, जल में पूरी तरह विलेय होते। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे होंगे, या तो अविलेय होंगे या अल्पविलेय होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयंस द एक्वस सॉल्यूशंस एंड मॉल्टन फॉर्म ऑफ दीज कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनके एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म में आयंस नहीं होते, और आयंस न होने के कारण इनका एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन और मॉल्टन फॉर्म यानी पिघला हुआ रूप विद्युत का कुछ अलग होता है। चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, दीज कंपाउंड्स आर थर्मली अनस्टेबल एंड देयरफॉर गेट डीकंपोज्ड ऑन हीटिंग। ये भी थर्मली अनस्टेबल होते हैं, गर्म किए जाने पर विघटित हो जाते हैं, जस्ट लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने देखा, दैट इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्ड, वो स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड से मिलते जुलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, दैट इज दे आर फॉर्म्ड इन सम डेफिनेट डायरेक्शंस एंड प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द मॉलिक्यूल्स, दस दीज कंपाउंड्स हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्री। तो जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, मॉलिक्यूल को एक डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल को, अणु को एक निश्चित ज्यामिति देते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की भी ज्यामिति फिक्स होती है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। वहीं साथ में आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में देखा कि एक स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्ड का, और प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं किसके, कोवेलेंट कंपाउंड्स के। बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो दो एक्सट्रीम हैं, यानी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच की स्थिति होती है इनकी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फजांस रूल की। याद रहे, ये जो फजांस रूल है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनाती है। फजांस रूल, आप देखेंगे कि एक तरफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो हाईली सोल्यूबल इन वाटर हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं, वहीं दूसरे तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, थर्मली अनस्टेबल हैं। लेकिन नेचर का कोई भी कंपाउंड आप देखेंगे, न तो कंप्लीटली इलेक्ट्रोवेलेंट होता है यानी आयनिक होता है, और न ही कंप्लीटली कोवेलेंट होता है। एक्चुअल में
इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे HCl. HCl इज कोवेलेंट कंपाउंड बट इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. वाटर में हाईली सोल्यूबल है. अगर कोवेलेंट है तो इसको वाटर सोल्यूबल नहीं होना चाहिए था, जबकि कैसा पाया गया? हाईली सोल्यूबल इन वाटर पाया गया. क्यों पाया गया भाई? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जरूर है लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है. तो किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो यहां पर फजान्स रूल आपको बताएगा कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. क्लियर है? उसके बेसिस पर उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे फजान्स रूल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे जितने पॉइंट्स आएंगे केमिकल बॉन्डिंग के सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज बस इतना ही. थैंक यू.